हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो गाइस फिर से एक और प्ले स्टेशन 5 गेम डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप देख सकते हो मेरे पास है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3। ये गेम कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई प्ले स्टेशन 5 पे भी, पीसी पे भी, और पीसी पे जिन्होंने प्री ऑर्डर किया था उनको पहले खेलने को मिल गया था। और इससे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी की जो गेम थी वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, और वो गेम बहुत ही हिट गेम थी। पर्सनली मैंने भी उस गेम को खेला और उसका कैंपेन खत्म किया था, और लोगों को भी वो गेम बहुत पसंद आई थी। उसके बाद एक्टिविजन ने अपना कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 लॉन्च किया कुछ ही दिनों पहले। अब इस गेम के साथ कुछ प्रॉब्लम ये है कि इसकी रेटिंग्स बहुत ही कम है यार, लोगों को ये गेम पसंद नहीं आ रही है। मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि यार गेम मैंने बाय की बट रिफंड करके वापस कर दी, और मैं खुद ही हैरान हूं कि यार कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइज की गेम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और फॉर एग्जाम्पल आपको IGN पे इसकी 5 की रेटिंग दी गई है और गेम स्पॉट पे 6 की रेटिंग ऐसी कुछ है। जो गेम हमेशा से टॉप ऑफ द लाइन में रही, जैसे मॉडर्न वॉरफेयर 2 को ले लो, वो गेम इतनी जबरदस्त थी यार कि उसकी रेटिंग 9/10, 10/10 ऐसी उसकी रेटिंग थी। इस गेम के साथ क्या दिक्कत आ गई कि इसकी रेटिंग मतलब इतनी कम होगी और लोगों को पसंद नहीं आ रही है, यही सारी चीज जानेंगे वाली वीडियो में। और आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं ये भी मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि भाई कैसा इसका कैंपेन एंड ऑल। अब वो देखेंगे हम एक बार इंस्टॉल करेंगे गेम को, और सबसे मेन चीज की देखेंगे ये स्टोरेज कितना लेता है। फटाफट से पहले कर लेते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं डिस्क वगैरह कैसी रहती है, इंस्टॉलेशन टाइम क्या रहता है और अपडेट साइज क्या रहता है, वो सारी चीजें देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे अपना कैंपेन गेम प्ले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो इस तरह से रहती है हमारे PS अभी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 वाली डिस्क। अब ये डिस्क का थीम ओवरऑल ना रेड में है, देख ही सकते हो। और पिछला जो हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 था उसका थीम जो था वो ग्रीन में था, तो इन्होंने पूरा रेड थीम में दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 लाइनें ऑब्वियसली कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें अरेबिक में लिखी हुई हैं क्योंकि ये जो डिस्क है ये इंपोर्टेड यूनिट है। और इंडिया वाला भी आपको सेम ही मिलेगा, बस ये चीज़ें जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही रहेंगी, अरेबिक वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। एंड बैक साइड में आ जाए तो बैक साइड में देख सकते हो ग्राफिक बना हुआ। जो हमारा मेन विलन है मार्कोव, ये गेम के स्टार्टिंग में ही जेल से भाग जाता है और इसी के अराउंड पूरी गेम चलती रहती है। कैंपेन वाली गेम की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ कैंपेन, मल्टीप्लेयर, जॉम्बी मोड, ये सारे मोड्स आपको मिलते हैं। एंड यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 1-2 प्लेयर एक साथ इसे खेल सकते हैं, मतलब को आप खेल सकते हो आप इसे स्प्लिट स्क्रीन करके। एंड यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है 150 GB आपके कंसोल में होना चाहिए। अब इसे हम इंस्टॉल करके देख लेंगे कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। एंड ऑनलाइन में 2 से 64 प्लेयर्स के साथ आप इसे खेल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ट्रिगर्स वगैरह इसके सपोर्टेड हैं, इन गेम परचेज भी इसमें काफ़ी सारे हैं, एक्टिविजन की तरफ से आती है गेम। एंड या ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें यहाँ एज रेटिंग लिखी हुई है इसकी, देख ही सकते हो। एंड चलो अभी इसको कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कैसी रहती है इसकी डिस्क और इसके साथ क्या क्या कॉन्टेंट हमें मिलता है। ऑल राइट, तो अंदर इस तरीके से रहती है हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 की डिस्क, और इसको निकाल लेते हैं बाहर। भाई देख सकते हो गाइस इस तरह से रहती है डिस्क। यहाँ पे हमारे जॉन प्रिन है, और ऑब्वियसली ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, घोष भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट ये कैरेक्टर ना मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। एंड इस साइड में देख ही सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू डिस्क है हमारी, सामने यहाँ पे PS5 लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ कॉल ऑफ ड्यूटी शॉप पे आपको कुछ 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोड यूज़ करने पे इसकी जो मर्चेंडाइज से कुछ भी बाय करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये इंडिया में मिलेगा कि नहीं इसका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग इसे यूज़ करना चाहते हो तो ये कोड सामने आप लोग यूज़ कर सकते हो, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। सो या ये थी इसकी डिस्क। अब चलो इसको लगाते हैं अपने PS5 में, देखते हैं क्या आता है अपडेट फाइल एंड ऑल, और कितना साइज लेता है ये इंस्टॉल होने के बाद, और गेम प्ले भी ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा और गेम के बारे में अपना ओपिनियन बताऊंगा। लेट्स गो। सो भाई अभी से जाके कम्प्लीटली हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर वाला गेम इंस्टॉल हो गया है, और भाई डिस्क डालने के बाद कम से कम मुझे 1-1.5 घंटे तो वेट करना पड़ा खेलने के लिए ये रेडी हो तब तक के लिए, बिकॉज अपडेट इसका काफ़ी लंबा था। एंड उसके बाद 2 कैंपेन इसके इंस्टॉल हुए अलग से, जो कि 14 GB के थे और एक 13 GB का था। उसके अलावा अपडेट बहुत ही बड़ा था, अपडेट का साइज अराउंड 90 GB के अराउंड था, एंड गेम कॉपी होने भी काफ़ी टाइम लिया। एंड ये सारी चीज़ें होने में हमारी कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई हुई आ जाओ वो देख लेते हैं। तो ये आ गए हम स्टोरेज में, तो ऑलरेडी मेरा ये कॉन्सोल का स्टोरेज फुल है, तो हमने M.2 अपने जो अलग से लगा रखा है स्टोरेज उसमें हमने इसको इंस्टॉल किया है। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो कौन सी हमने स्टोरेज में लगाई है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। सो यहाँ पे देख सकते हो 155 GB का स्टोरेज इसने ऑक्यूपाई किया है भाई अकेले एक गेम ने, है ना। एंड आ जाए अपने गेम्स एंड ऐप्स में, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये नहीं है, कुछ भी नहीं है इस गेम का, जो भी है भाई M.2 वाले स्टोरेज में है। एंड 155 GB का साइज़ है इसका। स्टार्ट कर लेते हैं अभी इसको और कैंपेन देखते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको गेम मोड्स इसमें मिलते हैं। आ जाओ भाई। सो
सो गाइज हमने यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डेड गेम प्ले वगैरह देखोगे। गेम स्टार्ट होते कुछ तरह से आपको सामने यहाँ पे पॉपअप आता है और भाई ध्यान से ये सारी चीज़ों को आप कैंसिल और यस करना, क्योंकि अगर आप इन गेम कोई भी परचेज के लिए गलती से यस क्लिक कर दिए ना तो वो बिना OTP बिना किसी वार्निंग के वो डायरेक्टली परचेज हो जाएगा। और यहाँ पे मोड्स वगैरह देख सकते हो, हमारा कट थ्रोट मोड है, जॉम्बी मोड है, 10 vs 10 मॉश पिट मोड है एंड टर्मिनल वगैरह, ऐसे करके कई सारे मोड्स ऊपर आपको मिल जाएंगे। बट ये सारे मोड्स खेलने के लिए आपके पास PS प्लस की मेंबरशिप भी होनी चाहिए। ये क्या मजाक है भाई, नीचे आ जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लेयर आ जाता है, ऑब्वियसली इसके लिए भी आपको PS प्लस होना चाहिए। जॉम्बी मोड के लिए भी आपको PS प्लस चाहिए होगा, बट कैंपेन खेलने के लिए आपको कोई PS प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं है और प्राइवेट मैच भी आप विदाउट PS प्लस खेल सकते हो। तो ये दोनों मोड ही आप सिर्फ विदाउट PS प्लस खेल सकते हो। एंड चलो अब कैंपेन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। Eyes on target. Phase one complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase two. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Stay tight. Roger. No movement. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's on the axe. What's your status? Bravo's over the DZ. Charlie's. We hold for Charlie to light the fire, then head for the hatch in the courtyard to move interior. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charge is hot. Charlie, good to go. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Enemies incoming, get on the ground. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy, at the air duct, stand by. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger, blackout 3, 2, 1. Get
अब देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग गेम का जो पहला ही मिशन दिया गया वो खेल के तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। मुझे लगा कि भाई यार गेम के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग बुराई क्यों कर रहे हैं इसकी, गेम तो काफ़ी सही है यार मेरे हिसाब से। फिर मैंने जब थोड़े देर तक और खेला गेम को फिर मेरे को समझ में आया कि गेम के साथ प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। गेम के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी रिपीटेटिव मिशन हैं, जैसे आपको सेम टू सेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में खेलने को मिलते हैं। अगर आपने मॉडर्न वॉरफेयर 2 नहीं खेली है, मॉडर्न वॉरफेयर 3 खेल रहे हो तो पता नहीं चलेगा, बट मॉडर्न वॉरफेयर 2 खेल लिया है तो बिल्कुल भी आपको एकदम लगेगा कि मॉडर्न वॉरफेयर 2 ही खेल रहे हैं। तो मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा बीच में गेम बोर करने लगा। मॉडर्न वॉरफेयर 2 के साथ एक बार भी ऐसा सीन नहीं था कि मैं वो गेम खेलते हुए बोर हुआ, तो यहाँ पे एक बार ऐसा फील हुआ। आगे और गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ, फिर ओवरऑल ओपिनियन अपना मैं बताता हूँ। Full altitude is 2,000 ATL. Calling it close. So we do. Roger up at a rally point. Shut. Stand by. Go. Bravo, ISR is overhead. Six, there is no movement at the construction site. Proceed to the target helo. They're hunting you, Six. Smokescreen to keep us off their trail. Who the hell are they moving then? Something that packs a punch. तो भैया ये देखा आपने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 का गेम प्ले और मेरा ओवरऑल ओपिनियन। और जॉम्बी मोड तो भैया इतना बेकार है इनका ना, इतना बेकार है कि पूछो मत। एक घंटे से जॉम्बी मोड खेल रहा, आपको पता नहीं करना क्या है, मारते जा रहे हो है ना। मल्टीप्लेयर वगैरह खेल सकते हो और वो तो वॉरजोन में भी फ्री है अपना मल्टीप्लेयर यार, तो वो ये 5,500 रुपए की गेम कोई क्यों खरीदेगा। कैंपेन अच्छा रखो, एटलीस्ट जो भी मोड्स है उन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखो। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये कि अगर आप ये गेम खरीद रहे हो, आपके पास प्लेस्टेशन एसेंशियल
के ऊपर की मेंबरशिप या प्लेस्टेशन एसेंशियल मेंबरशिप नहीं है तो आप इसका ना मल्टीप्लेयर खेल पाओगे, ना जॉम्बी मोड खेल पाओगे, ना ही आप इसमें ऑनलाइन कोई भी मोड खेल पाओगे। आप सिर्फ इसका कैंपेन खेल पाओगे या फिर कोऑप वाला मोड जो आप साथ में दो लोग बैठ के खेलते हो वो खेल पाओगे। बंदा 5,500-6,000 की एक डिस्क खरीद रहा है, उसके अलावा भी वो 3,500 की मेंबरशिप भी ले तब जाके एक गेम को अच्छे से खेल पाए, ये कोई बात नहीं हुई। इससे अच्छा आप लोग स्टीम पे खरीद लो, अगर खेलना ही है तो प्ले स्टेशन के लिए मत खरीदो। हाँ, थोड़ा प्राइस ड्रॉप होने वाला है इस गेम का, बिकॉज अगर उतनी नहीं पसंद आ रही, रेटिंग्स इतनी कम है, तो ऑब्वियसली आने वाले 10-15 या एक महीने में इसका प्राइस कम होने वाला रहेगा, 20-25% का डिस्काउंट आ जाएगा, तब जरूर खेल सकते हो या किसी दोस्त से बोरो वगैरह करके खेल लो। यार मैं भी अभी इसको खेल के मतलब जो भी है सेल वगैरह ही कर दूंगा। इसे बहुत बढ़िया बढ़िया गेम है जो आप प्लेस्टेशन एक्स्ट्रा पे खेल सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्लेस्टेशन एक्स्ट्रा गेम पे कौन कौन से गेम आपको खेलने चाहिए उस पर एक वीडियो बनाओ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ये भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप लोग को और कैसी वीडियो चाहिए प्लेस्टेशन पे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और बहुत ही जल्द हमारे 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ यार जल्दी से 20 के करा दो, दिसंबर खत्म होने से पहले 20 के मुझे चाहिए, आई डोंट नो हाउ। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।